हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको सब्जियों का दे रही हूँ और इतनी तेज़ धूप हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। नेट ऑलरेडी लगा रखा है मैंने, ग्रीन नेट, तब भी सब्जियों में बहुत फ़र्क पड़ गया। देखिए ये बैंगन के बहुत थे, मैंने उखाड़ दिए थे क्योंकि उसमें मिली बग्स आ गए थे, तो चार ही रखे थे। इनमें भी अभी तक ग्रोथ नहीं हो पाई। पीछे देखिए मैंने चौलाई के बीज डाले थे, इतना पानी डालती हूँ और डेली डाल रही हूँ पानी। और ये देखिए ये तो पुदीना है, पुदीना फिर भी ठीक ग्रोथ कर रहा है। चौलाई के बीज देखिए काफ़ी सारा पानी डालते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आए हैं चौलाई, कहीं कहीं पे नहीं आए हैं, बीच में सारा खाली है, तो मतलब पानी डाल के जाओ और एकदम धूप से सूख जाता है। भिंडी के बीज तो मैंने बहुत बार डाल दिए, देखिए आते नहीं है। देखिए चौलाई कैसे हो रही है हमारी, पीछे भी चौलाई है, लाल चौलाई पीछे डाली थी, आगे हरी चौलाई डाली थी। और इसी में तोरी का है, तो ये बेल अभी थोड़ी सी ठीक चल रही है, फूल आ गए हैं इसमें। और देखिए भिंडी का तो मेरा कुछ अता पता नहीं लग रहा, देखिए इसमें हरी चौलाई थी और आगे भी सारी भिंडी डाली थी, लगी नहीं है भिंडी। चौलाई देखो कैसे आ रही ना बीच बीच में, मतलब इतना पानी, इतना पानी डेली का डेली पानी, और इतनी हालत बुरी है। सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे ककड़ी और घिया की बेल में पड़ा है। ककड़ी की तो मेरी सूख ही गई है, पता नहीं इतनी अच्छी ककड़ियाँ आई, इतनी बड़ी बड़ी आई हैं। और देखिए घिया की बेल देखिए बिल्कुल ठीक है, ठीक अच्छी चल रही थी, इसके पत्ते देखो कैसे मर गए। और जहाँ इसका देखो कितनी अच्छी स्टार, यहाँ पे सारा सूख गया और ऊपर जाकर रुक गई बेल। मतलब इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और घिया की बेल आते आते अच्छी होते होते भी, फल देते देते भी ख़त्म हो गई है। और ककड़ी की तो देखो कितनी अच्छी ककड़ी की बेल थी, देखिए क्या हालत हो गई है। आज तो मैं ना ककड़ी की बेल निकाल ही दूँगी क्योंकि सारी सूख गई हैं। इतनी अच्छी ककड़ी आई थी, मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे, इतनी बड़ी बड़ी ना, इतनी लंबी लंबी ककड़ियाँ थी। और आजकल अचानक क्योंकि शुरुआत था, तब इतनी गर्मी नहीं थी, धूप में इतनी गर्मी नहीं थी। और अभी तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, आप सोचिए 8 भी नहीं बजे हैं अभी, और ये देखिए कितनी गर्मी हो रही नेट लगाने के बाद भी। तो आज देखिए ये देखिए ककड़ी का पूरी बेल मेरी सूख गई, और मैंने इसको उखाड़ भी दिया है, मैं निकाल दूँगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है रखने का इनको, ना इनमें हो रहा है ककड़ी हो रही है, पूरी बेल देखो मर गई पूरी। अब मालूम है क्यों, क्योंकि धूप की वजह से इतनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर का इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा जिसको हिसाब नहीं है। सब्जियों में बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरी सारी सब्जियों में बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए ये भी घिया की, इसमें तो फल भी आ गया था, मतलब घिया लग गया था, लगने के बाद भी घिया ख़त्म हो गया है। मैंने पॉल्यूशन भी किया था जब ये घिया लगने शुरू हुए थे, काफ़ी फूल आए थे, तो मैंने किया भी था। देखिए घिया इतना लगा भी, और मतलब जैसे होता है ना छोटे में पीले हो जाते, चलो कोई बात नहीं, पौधा तो सही रहता है। ये सेम फली का पौधा है, ये पूरा सूख गया, देखिए इसमें देखिए कैसी हालत हो गई है। और इसके अंदर मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया ये पौधा, कोई सब्जियों का पौधा नहीं इसलिए छोड़ा है कि ग्रीनरी दिखाई देगी पूरे छत में ना, सब्जियों वाले गार्डन में एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है। और ये देखिए ये दो बैंगन के पौधे, इसमें अब थोड़ा थोड़ा फूल आने लगे हैं, ये भी मैं नेट के नीचे कर दिए हैं, चार ही बैंगन के पौधे रखे। ये देखिए मेरे करेले की बेल चली भी, करेला आया भी अच्छा ना शुरू हुआ, लेकिन अभी देखिए करेले क्या है, छोटे छोटे में ही पीले हो जा रहे हैं, मतलब कुछ कमी नहीं है। मिट्टी खाद, और अभी मैंने कंपोस्ट भी डाला है, और मतलब इनमें कोई कीड़ा भी नहीं है, और इतनी अच्छी मिट्टी तैयार करके बनाई, हर साल करती हूँ, बट इस बार की जो गर्मी है ना, इस बार की जो धूप है, धूप से जो गर्माहट है ना, पौधों को, सब्जियों वाले पौधों की ग्रोथ नहीं हो पा रही। इवन आप सोचिए सब्जियों वाले पौधे छोड़िए, आप फ्लावर गार्डन में भी देखिए, जो के परमानेंट पौधे हैं, जो कि जिनको धूप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक है, लेकिन जो भी थोड़े डेलीकेट से प्लांट होते हैं उनमें भी हालत बुरी हो रखी है, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, सूख गए हैं, पत्ते वत्ते सूख गए हैं, बिल्कुल जल गए हैं, धूप से जल भी गए हैं। देखिए ये मेरा मिर्च का पौधा, ये थोड़ा ठीक है, अभी मुझे लगता है सिर्फ मिर्च का पौधा है जो चल पड़ेगा, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पौधे इतनी गर्मी में सरवाइव कर पाएंगे। और करेंगे तो देखिए किस तरीके से हालत हो रही है, जब तक बारिश नहीं होगी ना तब तक ऐसी हाल रहेगा। बारिश, एक बारिश पड़ने के बाद ना सारे पौधों में जान आ जाएगी, क्योंकि इनमें सारा टूट अच्छा फर्टिलाइज़र डाला हुआ, अच्छी खाद डली हुई, अच्छी मिट्टी तैयार की, उसके बाद मेरे सब्जी गार्डन का हाल देखिए क्या हो गया है।
मतलब मुझे इतना दुख होता है। मैं डेली जब मैं अपने गार्डन में आती हूँ और मॉर्निंग में डेली पानी देती हूँ, मेरा रूटीन है। मेरा माली तो दो ही दिन आता है, बाकी दिन मैं ही अपने पौधों की केयर करती हूँ अच्छी तरह से। जो भी खत पतवार लगी है डेली का डेली उखाड़ के फेंकती हूँ ताकि मेरे सब्जियों में कोई मतलब ग्रोथ करे। और बस यही एक छोटा सा मैं सोच रही थी आपको वीडियो दिखाऊँ। ये देखिए, ये भी मेरे ककड़ी के थे, ये भी देखिए क्या हालत हो गई इन ककड़ियों की, ककड़ी के पौधे की ना पूरे जल गए, जबकि पूरा ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए, तब भी इनका ये हाल हो रखा है। बस फ्रेंड्स, आज ना मेरे को यही एक वीडियो बताना था कि मेरे इस बार की गर्मी में ना मेरे सब्जियों के पौधों की हाल बहुत ही ख़राब है। लेकिन अब मैं अभी सीड्स नहीं डालूंगी, एक बारिश पड़ेगी, थोड़ा सा मौसम बदलेगा, उस वक्त नए तरीके से घिया के और भिंडी के सीड्स डालूंगी दोबारा।